साधु खान एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल टू महायुद्धों का सबसे बड़ा युद्ध उस्तादों का। आज यहां पर आप देखेंगे लाफ्टर के उस्ताद, और इस महायुद्ध में हमारे पास उस्तादों के उस्ताद जज हैं जो इनको जज करेंगे। इनको कोई भी परिचय की जरूरत नहीं। गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब, और उनके साथ द वन एंड ओनली सरोज खान जी। जोरदार तालियां। और इनका साथ देंगे एक बहुत 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 स्पेशल जज है, हमारे स्पेशल गेस्ट है, मेरा तो बचपन का दोस्त है, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है उनका नाम लेने में, क्योंकि ही इज ट्रूली वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिक टैलेंट्स ऑफ द कंट्री। गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर स्पेशल सेलिब्रिटी जज जावेद जाफरी। हमारे तीनों जजेस के लिए जोरदार तालियां। अब आने वाले हमारे महायुद्ध के पहले योद्धा, मैं जल्दी से जल्दी उस उस्ताद को बुलाना चाहता हूं जो कॉमेडी चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए एक मैजिक ट्रिक। अरे रऊफ लाला चैंपियन है कॉमेडी के, जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले तो आपकी बात बाद में सुनूंगा, पहले मुझे ये बताएं, मैं अपनी बीवी के साथ बैठा था, मुझे डब्बे में कौन लाया यहाँ? तो हमारे पहले उस्ताद रऊफ लाला के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ठीक है आप लोग? बस ठीक ही रहो अपने खर्चे पे। आदाब जावेद भाई, आज आपको देखा बड़ी खुशी हो रही है, लाइव देख रहा हूँ, सरोज जी से तो मुलाकात हुई अपने शो में। आदाब सरोज जी, आपकी क्या बात है, आप दुनिया की वाहिद औरत हैं जो दूसरों के मर्दों को उंगलियों पे नचाती हैं। जावेद भाई, आपकी तो फैमिली का फैन हूँ मैं, माशाल्लाह से आप भी वाहिद मर्द हैं जो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको नचा देते हैं। बड़ी मेहरबानी आप लोग की मेरे जजिस प्यारे बेटे में, मैं चाहूंगा इनके लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। जावेद भाई का चेहरा देखें, इतना मासूम चेहरा है, हमारे यहाँ पठानों के चेहरे से मासूम होते हैं, अजीब अजीब पठान होते हैं मासूम, आपको तो पता ही होगा खान साहब कैसे होते हैं, मासूम मुंह भी अजीब होता है उनका, अजीब बेटे में मेरे प्लेन में मेरे बराबर में अजीब मुंह बनाया हुआ। मैं कह यार इसका तो चेहरा देखो, सफर कैसे निकलेगा। मेरे को कह रहे यार लाला भाई एक बात बताओ, मैंने बोला क्या, इतना बड़ा हुआ इजाजी, इसको रंग कैसे करते हैं? मैंने कहा ये जब ऊपर जाता है इतना होता है फिर करते हैं। मुझे खान साहब कह रहे हैं यार एक बात बताओ, मैंने कहा लाला पहले आप मुझे ये बताओ, आपने दोनों हाथों में एक एक घड़ी बांध दी है, ये क्यों बांध दी है? बोला लाला भाई इससे टाइम जल्दी पास होता है, बम्बई जल्दी आएगा। मैंने कहा फिर 10-10 बांध लेते, बम्बई जहाज में ही आ जाता। एरोस्टिस आ गई, एरोस्टिस ने आके कहा आप क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे आप कोल्ड ड्रिंक दें, उन्होंने मुझे कोक दे दी, मेरी कोक में मच्छर था, मैंने निकाल के मारने लगा, खान साहब कह रहे नहीं मारू। मैंने कहा क्यों? ये तुम्हारी औलाद है। मैंने कहा मेरी औलाद कैसे? अभी अभी इसने तुम्हारी कोक में से जन्म लिया है। थैंक यू। अब उनके पास गई एरोस्टिस, कहने हाँ साहब आप क्या लेंगे? हमको चाय दो। बोले चाय दे कौन सी वाली? वो तावीज वाला चाय। बोले तावीज वाला कौन सा? वो नहीं होते यूं यूं यूं। अच्छा टी बैग, वही बैग वाला दो। अब चाय पीने के बाद क्या कह रहे हैं?
इधर आओ और चाय डालो। उसने बोला क्यों? वो सारा चाय तो टी बैग पी गई है। अब ये जाने लगे बाथरूम के लिए, मुझे कह रहे यार भाई ये बताओ बाथरूम की जगह कहाँ है। मैंने कहा यार इतने बड़े हो गए आपको पता ही नहीं है, अजीब आदमी हो। मैंने कहा आगे? बोले पहले तो पीछे था। मैंने कहा ये जहाज में आगे है। अब वो जैसे ही निकले, ये निकले एरोस्टिस आई, एरोस्टिस गिर गए इनके ऊपर, वो गिर गए। मैंने कहा खास साहब उतरो उतरो। ऐसे कैसे उतरे? बंबई में उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा। टिकट बंबई का लिए, ऐसे उतर जाए। अब मैं खान साहब को देखिए, ये लोग चालाक बहुत बनते हैं अपनी तरफ से। चालाक सबसे ज्यादा हमारी जो है ना वो औरतें हैं, लेडीज बहुत चालाक बनती हैं, खूबसूरत, बुरे बुरे मुंह मेकअप कर लेंगी, ब्यूटी बक्स बन जाएंगी। बारिश आ जाए यही ब्यूटी बक्स टूल बक्स बन जाता है। एक औरत गई डॉक्टर के पास और जाके डॉक्टर से कहने गई, डॉक्टर साहब मैं चाहती हूं आई वॉन्ट्स कि मैं ब्यूटीफुल नजर आऊं, हसीन नजर आऊं, तो प्लीज टेल्स मीस कि मैं नहाते वक्त क्या लगाऊं। डॉक्टर ने कहा कुछ ना लगाएं, आप सिर्फ बाथरूम की कुंडी लगाएं। एक आदमी की औरत इतनी मोटी, काली सांड जैसी, वो डॉक्टर के पास ले गया, कह रही है मेरी वाइफ है, इनको जरा खूबसूरत कर दें, प्लास्टिक सर्जरी कर दें। उन्होंने कहा कर देते हैं। बोले पैसे कितने? बोले भाई 5 लाख रुपए। 5 लाख? बोले बहुत महंगे। बोले भाई चल भाई 150 का बुर्का पहना दे इसको, जा। थैंक यू, बहुत मेहरबान। अब हमें देखना है कि हमारे एस्टीम जजेस रऊफ लाला की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। जावेद साहब आपसे शुरू करेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगा कि इनके जो दो तरह के जोक्स थे, एक तो इन्होंने कुछ हवाई जहाज में जोक्स सुनाए, फिर कुछ जब ये ज़मीन पे उतरे तो इन्होंने कुछ औरतों के बारे में जोक्स कहे। ये दोनों जोक्स जो थे मुझे पॉलिटिकली थोड़े से गलत लगे, या ये कि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा रवाज है कि औरतों के ख़िलाफ़ जोक बनते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जोक सुनाइए मगर कोई कम्युनिटी हो, कोई वर्ग हो, वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चाहे औरतें हों उन पे उनका मजाक उड़ाना एक हद तक तो ठीक है, मगर उसे बैलेंस कीजिए। मुझे ये थोड़ी सी शिकायत इनसे रही, इसलिए मैं इनको नंबर दूंगा 10 में से 3। थैंक यू। बहुत अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि जिसके लिए मैं कुछ बहुत बड़े मार्क्स दे सकूं। मुझे ये जोक्स बहुत क्रूड लगे। फॉर यू माय मार्क्स आर। सरोज जी ने भी 3 दिए। जावेद साहब ने कहा उससे मैं खुद उस कंकर करता हूं जो ये कह रहे थे कि बात सही है, लेकिन यही है कि जो ह्यूमर में ज्यादातर वो कहते ना कि उनको उनकी तरफ उंगली और बंदूक और सब कुछ तान के खड़े हो गए, कभी कभी जैसा उन्होंने कहा कि एक बहुत पतली बारीक सी लाइन होती है, बहुत लोग हंसते हैं क्योंकि उनको पसंद आ जाती हैं कुछ चीज़ें मासेज में, होते ना एक होते कहते हैं कि जो आगे वाले हैं बड़े हंसते हैं, लोग पीछे वाले शायद कम हंसते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं आपका ह्यूमर नहीं था, वो गिराक देख के पुड़िया बनाने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, हमारी कुछ एक सेंसिबिलिटी शायद है, अब वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा औरतों को इतना निशाना न बनाइए। चलिए भाई मेरे हिसाब से 4। चलिए बड़ी में, थैंक यू ज्यादा। जावेद अख्तर साहब ने 3 दिए, सरोज जी ने 3 दिए, जावेद जाफरी साहब ने 4 दिए, टोटल हो गया आपका 10। 30 में से 10, मुझे उम्मीद थी आपको ज्यादा मिलता। 10 बस। भैया हमारे जजेस आपके लिए ताली बजाए ना बजाए, मासेस तो आपके लिए ताली बजा रहे, रऊफ लाला जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, आप वहां पे मेरा जी। अब आ रहे हैं एक ऐसी लड़की जो टीवी पे बहुत मशहूर है वैम्प के रोल्स में, और उनके साथ आ रहे हैं कॉमेडी के चैंपियन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑल द वे फ्रॉम कॉमेडी सर्कस, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, ये आ रहे हैं टक्कर देने रऊफ लाला साहब को। Thank you.
शकील कहाँ से निकाला मुझे? आप फिक्र मत कीजिए, आप आइए, हम बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों से निकालते हैं। मैं तो टॉयलेट में बैठा हुआ था। शकील साहब, अच्छा हुआ कार्रवाई नहीं शुरू की थी मैंने। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, मोबाइल टॉयलेट, ये भी वही है। मोबाइल, आप अकेले क्यों आए? आपकी पार्टनर है। वो मुझे ढूंढ रही होगी, मैं उसको टॉयलेट का बोल के आया। यार क्या क्या तुम लोगों ने, कहाँ है इनकी पार्टनर? शकील जी की पार्टनर उर्वशी ढोलकिया कहाँ है? कमबख्त मारे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम क्या कह के गए थे, तुम टॉयलेट जा रहे हो है ना? मैं टॉयलेट ही गया था जानू। तो फिर वो शुक्र करो मैं दिल की भड़ास निकालने बैठा नहीं। हाँ। वरना खुदा की कसम बड़ी बेइज्जती होती, इन्होंने डब्बे से निकाला मुझे। मेरी बात तो सुने जानू। नहीं मुझे नहीं सुना। मेरी बात मेरे पीछे ना आना। मेरे तुम्हारे पीछे को ना, जहाँ घास होगा वहाँ घोड़ा तो आएगा ना। दफा हो जा, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अल्लाह तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, तुम भाड़ में जाओ, मेरी बात सुनो। जी करता है मैं मर जाऊं। मरने की बात नहीं करो, मरने की बात नहीं करो, मेरी रकम लगी हुई तुम पे। अभी पूरे नहीं हुए ना जानू, क्या कर रही हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इसी नफरत की वजह से गफूर पैदा नहीं हो रहा है। अरे जाओ जाओ, ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। कितने मर्दों को जानती हो तुम? तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं शक थोड़ी कर रहा हूँ जानू, मैं तो यकीन कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम बहुत अच्छी हो। पूरी बात तो सुनती नहीं हो जानू। जानू एक बात है, सुबह उठ के मेरी बेइज्जती की थी? नहीं। तो करो ना, वो पति क्या जिसकी बेइज्जती नहीं हो। क्या कह रहे हो तुम? जजेस सुन रहे हैं। घर घर की यही कहानी, दफा करो ना, छोड़ो तुम, हर घर की यही कहानी है ना। आप लोग जानते मैंने क्या क्या सोचा था, शादी के बाद ये होगा, शादी के बाद वो होगा। जब से नागा ही चल रहा है, तुमने तो मेरी सोच ही बंद कर दी। तुम्हें याद नहीं शादी वाले दिन? हाँ। मैं तुम्हारे कमरे में आया, तुम दुल्हन बन के लाल जोड़ा पहन के बैठी हुई थी। मैंने कहा दही बड़े का मटका कौन रख गया यहाँ पे। फिर पता लगा तुम बीवी हो, अंदर फंसी हुई थी तुम। मैंने तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा जानू, अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया, तुमने कहा छापा पड़ गया और खिड़की से कूद गई। ये समझ नहीं आया तुम कूदी क्यों थी। देखो देखो, मुझे ऐसी ऐसी लड़की मत समझना। हाँ मैं ना खाते पीते घर से हूँ। खाते पीते? बताया भी नहीं, टुन पार्टी। इतना जाहिल पति है मेरा, मतलब खान। अरे तुम्हारा मैं मिसाल दे रही थी। अच्छा मैं समझा कोई इन्फॉर्मेशन दे रही थी खानदान के बारे में। अरे जाओ जाओ, हम खानदानी लोग हैं। तुम खानदानी हो क्या? मैं मैदानी हूँ। हमारा भी खानदान है बाकायदा। अच्छा हाँ, पता है हमारे खानदान में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े। हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चे ही होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं बहुत दिनों बाद। लगता है मुझे अपनी अम्मी को बुलवाना पड़ेगा। अब अम्मी को बुलवा रही हो? हाँ, अम्मी। राशन मंगवा लूं? क्यों, आज सुबह तो राशन मंगवाया था ना। तो वो एक टाइम का खाना हो गया ना तुम्हारी अम्मी का। हाँ। तुम्हारी अम्मी खाने का लिहाज करती हैं? वो तो रोटी का गरबान पकड़ के कहती है आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। वो प्लेट में चावल खाते हैं, तेरी अम्मी तो आंगन में चावल पसारती हैं पहले, फिर मशक से दाल डालती हैं, फिर लोग से कहते जरा फौड़े से निवाला बना के डालना। तुम्हारे अब्बू क्या? अरे इसके अब्बू चूहा है, चूहा। खबरदार, चीते जैसा बाप है मेरा वो। अरे जब भी उसके पास काम के लिए जाओ तो बोलते बेटा बिल बना रहा हूँ, बिल बना रहा हूँ, बिल बना रहा हूँ। पता नहीं उस बिल में घुसेगा कब। ऐ लगातार जाहिल औरत, ऐ मुसलसल मनहूस, तुम थोड़ा सा पढ़ लेती तो तुम्हें पता लगता बिल का मतलब वो अकाउंटेंट है, वो कमरे में बिल बनाते रहते हैं। अच्छा तो सीधे सीधे कहो ना मुंशी है। आ, ग्रेड गिरा दे मेरे बाप का। तेरा बाप तो कागज के जहाज उड़ा के कहता मैं पायलट हूँ, मैं पायलट हूँ। मेरे बाप के बारे में बात की, बदतमीज औरत। तुमने मुझे डांटा, मैं मायके जा रही हूँ। बेगम क्या कह रही हो? हाँ। खुशी के मारे दम निकल जाएगा। नहीं मेरा मतलब है मुझे दुख होगा बेगम। तुम क्या दुख होगा? मैके जा रही हो? हाँ। मैं कहाँ चाहता हूँ तुम मैके जाओ। क्यों? तुम तो जानते हो कि मैं मैके चली जाऊँ ताकि तुम दूसरी लड़कियों को देख सको, है ना कमीने आदमी। तुम दूसरी लड़कियों को देखते क्यों हो? पता नहीं मेरी शादी क्या हुई, सारी खूबसूरत लड़कियाँ बाहर आनी शुरू हो गई। शादी से पहले पता नहीं इनको कहाँ मौत पड़ गई थी, कहाँ छुपी हुई थी। रोना नहीं बेगम, मेरी हंसी निकल जाएगी। जानू जा,
जानू देखो देखो मेकअप धुल गया मुंह निकल आया मेरी चीख निकल जाएगी। लगता है तुम्हें अपने भाई से पिटवाना पड़ेगा। क्या भाई है तुम्हारा माशाल्लाह, पिछले हफ्ते कुत्तों के रेस में अव्वल आया था। वो तो अव्वल आया था लेकिन तुम भूल गए कि तुम भी जिद कर रहे थे जानू मैं भी दौड़ूंगा। हाँ और मैं जिद कर रहा था, लोगों ने मुझे समझाया शेरों की रेस कल है। चलो कल दौड़ लूंगा। शेर तो तुम हो लेकिन खेले हो तुम कुत्ते बिल्लियों में। तो अपनी फैमिली को समझाओ क्यों खेलते हैं मेरे साथ। hey! फिर वहाँ पे तुमने जाहिलों वाली बात की। मैं जाहिल नहीं हूँ, बहुत पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा? हाँ मैं तो कई जगह पढ़ा रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ जानू। मैंने तो एक मिनट में 10 जमातें पास की थी। 10 जमातें? हाँ मैं स्कूल गया, मैंने जमाते की नहीं, मैं पास कर गया एक सांस में। मैंने कहा पता नहीं टाइम मिला ना मिला आज ही कर लो। इतने पढ़े लिखे हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। मैं तो बड़ा जवाब देता हूँ, कल मैंने अब्बा को जवाब दे दिया। क्या कह रहे? पानी पिला, मैं खुद उठ के पियो। यही तो जानू, अल्लाह अल्लाह करे पैर में चोट है, इतनी दर्द। इस दर्द से मुझे याद आया, तुम जाहिल आदमी तुम मुझे नींद में लाते क्यों मारते हो? वो प्रॉब्लम है जानू, मैं पता है सपने में ना फुटबॉल मैच खेल रहा होता हूँ। ये तो बहुत बुरी बीमारी है। चलो चलो डॉक्टर के पास चलो चलो। नहीं आज नहीं, आज नहीं है? कल कल। क्यों आज क्यों नहीं? आज मेरा फाइनल है जानू। क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? थैंक यू। शकील और उर्वशी, देखना है इन दोनों की उस्तादी हमारे उस्तादों को हंसा पाई या फिर से मूड जरा खराब हो जाएगा। लेकिन एक काम करेंगे, इससे पहले कि हम जाने कि हमारे उस्ताद इनको क्या कहते हैं और इनको कितने मार्क्स देते हैं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो अवे, विल बी बैक ऑन उस्तादों का उस्ताद। वेलकम बैक टू उस्तादों का उस्ताद। देखना है कि शकील साहब यहाँ पर और उनके साथ उर्वशी, देखना है कि हमारे जजेस को क्या कहना है। जावेद साहब, मुझे आप लोगों का एक्ट अच्छा लगा और जो जोक्स थे वो क्लिशेड नहीं थे। कोई गेस नहीं कर सकता था कि जो बात शुरू हो रही है इसमें पंच लाइन क्या होगी, और ये नयापन और फ्रेशनेस जो होता है वही हंसाता है और वही दिलचस्प होता है। तो आपको फिर भी मैं नंबर 7 10 में से 7। मुझे आपका एक्ट बहुत बहुत पसंद आया, इनोवेटिव लगा। आपके सवाल जवाब कभी भी थॉट प्रोसेस नहीं मालूम पड़ता है, एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू। सरोज जी ने 8 दिए। शकील भाई, एक बहुत बहुत अच्छी मुझे बात ये लगी थी कि आपने जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो बड़े नए थे, जिस तरीके से अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जो नोकझोंक और अनबन थी, और इसमें किसी की तरफ उंगली नहीं थी, ना किसी को मतलब बुरा लगने की वजह हुई इसमें, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। एंड आई गिव यू 8.5। सो दैट्स 8 and 7, 15 and 8.5, दैट्स 23.5। 30 मार्क्स में से इन्हें 23.5 मिले हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए मिलते हैं हमारे तीसरे उस्ताद से, जो यहाँ से नहीं ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर से आए हैं। देखना है कि वो आपके सर में अमृत भरेंगे या फिर के आपके सर से अमृत निकालेंगे। चंदन साहब, ऑल रेडी ऑल सेट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जजेस को नमस्कार करूंगा जी। तो बात करते हैं सर हमारे पंजाब की। आप सभी लोग सोचते होंगे कि हमारे पंजाब के लोग मतलब इतने ज्यादा कॉमेडियन क्यों होते हैं, उनमें इतनी ज्यादा कॉमेडी क्यों होती है, क्योंकि वो सीधे ज्यादा होते हैं। जैसे मेरे चाचा जी, उनके घर में ना बेटा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, तो ऐसे टहल रहे थे, तो इधर से नर्स आई, बोलने लगी मुबारक को आपके घर में बच्चा हुआ है, तो उसको खिला रही है। बच्चे ने सुसु कर दिया, कहते ओए इधर आओ, ये पीस चेंज करके लाओ। नहीं हुआ क्या, होना क्या, ये तो लीक कर रहा है। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे 3 लोग, ये आगे चला रहे थे मोटरसाइकिल, तो 2 पीछे बैठे हुए थे, तो 3 लोग अब ट्रिपलिंग
कर रहे थे मोटरसाइकिल पे, आगे पुलिस वाले ने देख लिया, कहते एक मिनट रुको, कहते हटा है, हम पहले से तीन बैठे, अब तुम जगह बैठा है। हमारे पंजाब में अंग्रेजी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अंग्रेजी भी पंजाबियों से घबराती है, यहाँ पंजाबी की शक्ल देख ली मुंह पर हाथ रख देती है, ओ हो आ गया पंजाबी, अब ये मदर सिस्टर एक करेगा। तो क्या माहौल है मैं आपको बताता हूँ, हमारे पड़ोस में है जग्गा जी, इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी उन्होंने, खुद दुबले पतले, इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी हैं, लगता नहीं आदमी ने मूछें रखी हैं, ऐसे लगता है मूछों ने आदमी रखा हुआ है। तो इंटरव्यू हो गई, इंटरव्यू किसकी, इंग्लिश की होनी थी, तो स्टूडियो में पहुंच गए, तो मैडम ने बोला जगह जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, तो सबसे पहले हमें ये बताइए नथिंग का मतलब क्या आता है। नथिंग का मतलब था मेरे दिमाग में, आप बताइए क्या होता है जी। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं, अगर वर्ड बना तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। नहीं जी, इसका मतलब ही कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, और सुनाओ डैडी क्या करते हैं आपके। जी उनकी तो डेथ हो चुकी है। वो तो चलो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं वो। जी मतलब उनकी डेथ हो चुकी। नहीं नहीं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती घरों में, लेकिन काम क्या करते हैं वो। नहीं आप मतलब नहीं समझे जी, उनकी मौत हो चुकी है। ओ तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने। मम्मी क्या करते हैं आपकी। जी वो हाउसवाइफ हैं, सरकारी महकमा है कोई। जी वो घर में काम करती, वो इतनी बड़ी रिपोर्टर और उसकी मम्मी घरों में काम करती है। खैर और सुनाइए, मतलब ये हाल है हमारे पंजाब में इंग्लिश का। सो थैंक यू वेरी मच। आपने जो कुछ सुनाया उसके दो एक हिस्से बहुत दिलचस्प भी थे, और वो बड़ा दिलचस्प अंदाज भी था आपका सुनाने का, जैसे कि वो साहब जो इंटरव्यू ले रहे हैं पूछ रहे हैं कि आपके फादर की डेथ हो गई लेकिन वो करते क्या हैं, बड़ा अच्छा किया था आपने। लेकिन उसके बावजूद मुझे टोटैलिटी में आपके एक तो फ्लो की कमी लगी, कि जो बहाव चाहिए स्टैंड अप कॉमेडियन में उसकी कमी थी। तो मैं कहूँगा कि अलविशुलक, लेकिन आज का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत आपका इम्प्रेसिव नहीं था। इन शॉर्ट एंड स्वीट आपका परफॉर्मेंस बहुत ठंडा था, ऐसे लग रहा था आप सोच सोच के कुछ बना रहे हैं, जैसा कि आपने कहा है कि देयर वाज नो फ्लो, इट वाज ऑन द एज बोरिंग। दो पंजाब दी तुसी की कीते आ पता, खूब जुत्तियां पड़ी उत्थे हैं, इत्थे तुसी मान नकड़ा जी थी पंजाब दी तुसी आके हैं, पंजाबी चाय होंदा पंजाबी जो होंदा। अब क्या इन दोनों के बोलने के बाद मुझे मौका ज्यादा बोलता नहीं, बिकॉज़ जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, जावेद साहब ने बहुत सही एकदम एनालाइज करके आपको कहा कि वो रवानगी नहीं थी, और मेरे ख्याल से और जोक्स के लेवल जो आपको बहुत सही था, वो इंटरव्यू जो अंग्रेजी का था वो एक इंटरेस्टिंग लेवल था, तो मेरे हिसाब से आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। थैंक यू जी। देखना है हमें हमारे अगले उस्ताद कौन हैं। लाफ्टर चैलेंज से राजीव ठाकुर के लिए जोरदार तालियां। आजकल एक दौर है कि हमारी सरकार ने कहा कि इंग्लिश बंद करो यार लिखनी, हिंदी में लिखा करो, बैंकों में जहां देखो इंग्लिश लिखी होती है। लेकिन आजकल प्राइवेट बैंक है, इतनी खूबसूरत लड़कियां रख लेते हैं, शायद इसलिए रखते हैं कि अकाउंट ज्यादा खुलें, उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। कितना खूबसूरत लिखा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, अब उन्होंने हिंदी में लिखा है, पीछे खूबसूरत लड़की बैठी है आगे लिख दिया है चालू खाता। लोग कहते हैं कि आप जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो ना आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैंने कहा हम में कहा कॉन्फिडेंस, देखना है तो भाई मल्लिका शरावत का देखो, एक रुमाल लेके जाती है और टेलर को कहती है दो ड्रेस बना दो, और उसके टेलर का कॉन्फिडेंस देखिए, वो पूछ रहा होता है मैडम बचे हुए कपड़े का क्या करना है। अच्छा कॉन्फिडेंस देखना है तो हमारे प्रधानमंत्री का देखिए, कसम से जब भी कोई फैसला सुनाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे इन्होंने खुद लिया। अरे कॉन्फिडेंस देखना है तो एकता कपूर जी का देखिए, कमाल है कमाल है। जितना मर्जी हिट करेक्टर हो, जिसने पैसे मांगे अगले एपिसोड में मौत हो। हमारी बा आज तक जिंदा हैं, 400 साल की हो गई, 400 साल की जिंदा हैं, कारण उन्होंने पेमेंट नहीं मांगी। अच्छा औरतों की बात की है तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन औरतों को ऐसी नौकरी दी जाए जिसमें सिर्फ औरतें ही काम करेंगी, मर्द होंगे ही नहीं, औरतों को चौकीदार लगा दें।
अब चौकीदार लगेंगी तो सबसे ज्यादा फायदा चोरी होनी नहीं है, मर्द सोएंगे तो चोरी होगी, आधी रात को खिड़कियां खुलेंगी। चौकीदारनी नहीं आई, चौकीदारनी नहीं आई। अच्छा चौकीदार आवाज लगाता है, जागते रहो, तो आदमी बाहर आता है, हेलो अगर मुझे जागना है तो तुझे नौकरी पे क्यों रखा है। और तब जब चौकीदार ने आवाज लगाएगी, जागते रहो जागते रहो, अंदर से आवाज आएगी, हम तो जाग रहे हैं, तुझे सोना है तो आ जा। थैंक यू सो मच राजी साहब। चलिए देखते हैं हमारे जजेस को आपने मीठी मीठी चॉकलेट्स खिलाई है या फिर किस सरदर्द की गोली, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीकाजी की रेल चली नॉनस्टॉप, स्वाद भरी वेलकम बैक टू उस्तादों का उस्ताद। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साजिद खान, और हमें देखना है यहां पर क्या फैसला सुनाने वाले हमारे जजेस। इस बार जावेद साहब से चालू करेंगे, लेकिन जावेद जाफरी साहब से। कुछ ना अंदाज, एक बयान का अंदाज होता है, अंदाज बयान जिसको कहते हैं, कि एक बोलने का स्टाइल और उसको इंटरेस्टिंग एक बनाना, वो एक अंदाज आप में मिसिंग था। प्लस जिस तरह से आपने एंड किया वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, फैमिली ऑडियंस के लिए ऐसा नहीं लगा, बिकॉज दिस इज अ फैमिली शो एंड हमें ये मद्देनजर रखना है कि, तो उस बेस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बिकॉज जावेद साहब अच्छा एक्सपांड करेंगे। आई वुड गिव यू 2.5। भाई 100 बातों की एक बात ये है कि आप फनी नहीं थे। अब क्यों नहीं थे ये आप सोचिए, और इस सिलसिले में आप कुछ कर सकते हो तो जरूर कीजिए, लेकिन ये परफॉर्मेंस आपका बहुत ही वीक और फ्लैट था, तो दो, और ये दो दोनों आपके हवाले हैं। आई डोंट मीन्स वर्ड्स, आप बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, नहीं, यू वर वेरी बैड। दो, ओके, सरोजी ने दो दिए, मतलब 6.5 मार्क्स मिले आपको। थैंक यू सो मच। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? कोई बात नहीं, अभी हैं मौके और भी। चलो ठीक है, फिर मिलेगा मौका, फिर मारना चौका। राजीव के लिए जोरदार तालियां, वेरी वेल। चलिए मिलते हैं हमारे अगले योद्धा से, देखना है इनकी उस्तादी हमारे इन उस्तादों को खुश कर पाएगी कि नहीं। प्लीज वेलकम फ्रॉम कॉमेडी सर्कस अली असगर, जोरदार तालियां। अली, आप अकेले परफॉर्म करेंगे? नहीं नहीं, है ना मेरा काशिफ। काशिफ? अरे अरे, काशिफ तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। अरे नहीं, सुन, तू वापस आ। नहीं, मेरे को काशिफ चाहिए यार। मैंने जादूगर फिल्म बहुत बार देखी केबल पे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में, पर सब जादू सीख गया हूं। अच्छा, मैं जादू से काशिफ को बुलाता हूं। पर वो तो पाकिस्तान में। अरे मेरा जादू हर स्थान में चलता है। अच्छा, भाई जिंदा सलामत मिल गया मुझे। आप लोग शुरू कीजिए, लेट्स गो। मैंने कहा आदाब अर्ज़ खिदमत हुजूर, अगर आपकी तबीयत ना तमा पर बारे गिराने गुजरे तो ये हकीर फकीर बंदा पुर तकसीर असीर नफ्स शरीर कर्जदाश्त आपकी खिदमत में गोश गुजार करे, कि आप हमतन गोश हैं। हो गया, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अगर आपकी समझ में मेरी ये समझदाराना किस्म की बात समझ ना आ रही हो, तो आप अपनी समझदारी को किसी समझदार से समझदाराना तरीके से समझवाएं, ताकि आपकी समझ में समझदाराना किस्म की बात समझ आ सके। अब समझे? समझ में आया आपको? नहीं, इनको नहीं आया तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा यार। तू कहाँ था मेरा भाई, कहाँ था यार? तू मेरे स्वागत में नहीं आया? अच्छा, मुझे आना था क्या? मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी शादी पे क्यों नहीं आया तू यार? और तुझे पता है शादी के दिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपने कमरे में एंटर किया, सामने दुल्हन बैठी है। हा 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 हा, दुल्हन को देखा, उसने मुझे नहीं देखा, गुंगट अपुन अजीज नाजा का छेला ना एक गाना चिपका दिया, सुहाग रात है घूंघट उठा रे लाऊं। उसने कान के नीचे बजाई। क्यों?
अरे बोली, ये कोई घूंघट उठाने का वक्त है क्या? अबे तूने मुंह दिखाई नहीं दी होगी ना? दी थी भाई, वापस कर दी। क्यों? कहने लगी मैं आपसे पैसे थोड़ी ना ले सकती। अरे यार इतनी सीधी लड़की की तो तुझे इज्जत करनी चाहिए यार। मेरे साथ क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अबे मैं कमरे में गया, घूंघट निकाल के बैठी हुई थी। अच्छा? मैं गया, मैंने मुंह दिखाई दी, घूंघट उठाया। मैंने उससे पूछा तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या बोली? नहीं नहीं। मैंने कहा स्कूल में किसी से बोली? नहीं। मैंने कहा महल्ले में किसी से बोली? नहीं। मैंने कहा कॉलेज में किसी से बोली? नहीं नहीं। मैंने तलाक दे दी यार। तलाक? क्यों? अबे तो जिंदगी में किसी की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी यार। मेरा भाई इतनी सिंसियर लड़की तेरे को कभी नहीं मिलेगी भाई। आज तक मुझसे कोई लड़की सिंसियर नहीं निकली, और जो सिंसियर निकली वो लड़की नहीं निकली। क्या कह रहे हो? लेकिन तेरे को एक पति की बात बता दूं भाई। क्या हुआ? आज की तारीख में सिंसियरिटी बोले तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेरे भाई, सेक्रेटरी, मेरी सेक्रेटरी। आ हा हा, एक दिन मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी सर सर आपने क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया है? मैं बोला क्यों रे, तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर आपने अपने कैबिन से सोफा क्यों हटवा दिया? अगर तेरी हरकतें ऐसी रहेंगी ना तो तेरी सारी सेक्रेटरी तुझे छोड़कर भाग जाएंगी। मेरी सेक्रेटरी को मैंने भी निकाल दिया। अच्छी तो थी, क्यों निकाल दिया? अरे उसको ऑफिस के काम के अलावा कुछ आता ही नहीं था। ओहो हो, ये आजकल की लड़कियां ना काम वाम के अलावा इनको कुछ आता नहीं और सेक्रेटरी बनने चले आ जाती है। बोलो यार बेटा, अगर भाभी को पता लग गया ना तो पता नहीं क्या क्या सूझेगा। हमारी अंदर की बात तू बाहर क्यों बता रहा है? चल अंदर जाके बात करेंगे। चल एक मिनट, इजाजत तो ले लूं। अच्छा जी, ओके, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, शब बखैर, इंशाल्लाह मौका मिला जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज। प्लीज मेक इट टू। अब देखते हैं हमारे जजेस यहाँ पर पके हैं या खुश हुए हैं। जावेद साहब, अब मुझे आप लोगों की कॉमेडी अच्छी नहीं लगी। एक तो जो कॉन्स्टेंटली थोड़ा अब्सिनिटी और वल्गैरिटी की तरफ इशारा था, और अगर नहीं भी होता था तो ऐसा खतरा महसूस होता था कि शायद किसी वक्त भी आप तहजीब के दायरे से बाहर चले जाएंगे। जब ये टेंशन अंदर हो तो आदमी हंस नहीं सकता है। और वो सेक्सी के एक आध जोक ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये आउटडेटेड जोक्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अपने ह्यूमर को आप थोड़ा मॉडर्नाइज कीजिए। तो आप दो आदमी हैं तो कम से कम इतना मिलना ही चाहिए। I'm so sorry. मैं आप दोनों की फैन हूँ, because I have seen your show once. That was very brilliant. लेकिन today it was very sad. That's all I can say. Because Javed ji has already told you these are outdated. Try and improvise. Three. Saroj ji ne three diya. Very good. अच्छा जो बोला बस सही है कि वो, I won't repeat the points. जो बात आपकी अच्छी लगी मुझे वो आपका बयान, अंदाजे बयान जो था वो, उसमें आपकी एनर्जी लेवल अच्छा था। हालांकि क्योंकि देखिए टीम होती है ना, काम आसान हो जाता है, अकेले इंसान को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। और वहां भी अगर किसी वजह से हंसाना मतलब मुमकिन ना हो किसी वजह से, तो वो देन इट्स सैड। तो उस बिना पर मैं आपको दूंगा तीन, तीन तीन दो, यानी कि टोटल होते हैं आठ। प्लीज टेक योर सीट। चलिए, टू फाइंड आउट हु आर लास्ट कंटेस्टेंट इज फ्रॉम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, सबसे पहले तो मेरा सभी को प्रणाम, और सभी ऑडियंस जितने बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए सभी बहुत पूजनीय है। आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, हम लोग अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे फनकार हैं। नहीं तो मैंने देखा है आज तक अंग्रेज ही हमसे आगे रहे हमेशा। जावेद साहब, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड बड़े अजीब अजीब से होते हैं। तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए। हम लोग आलस कर जाते हैं, हमारे घर में हम लोग चढ़ते ही नहीं, हम लोग रिकॉर्ड बनाते ही नहीं, हमारे बन जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड इंडिया का है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया का है, अब काटोगे नहीं रिकॉर्ड ही बनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं फालतू की टेंशन ले जाते हैं, संडास में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं यार ये लदेन कहाँ गया होगा।
गोली मार दे उनको, तू सोच तू कहाँ पानी डाल आगे निकल। अजीब अजीब लोग होते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं लाला रोशन लाल जी, अनपढ़ है बेचारे, छोटा सा बर्तन डिस्पोजेबल ग्लास लेके चले गए दूध लेने, वहां पे जाके बोल रहे हैं भाई एक लीटर गाय का दूध देना। बोले देखिए आपका बर्तन बड़ा छोटा है। अच्छा चलो फिर बकरी का ही दे दो। किसी ने लाला जी से पूछ लिया, बोले लाला जी बात सुनिए आपके दोस्त थे गुप्ता जी, क्या हाल है उनका। बोले गुप्ता जी बड़े मजे में हैं, तीन बेटियां थी उनकी, तीनों ही सेट हो गई हैं। बोले वेरी गुड, अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में सेट हो गई हैं। बोले बड़ी वाली तो आर्मी में मेजर सेट हो गई है। वेरी गुड, और दूसरी वाली डॉक्टर सेट हो गई है। अच्छा वेरी गुड, और तीसरी अपनी गली के लड़के राजू के साथ सेट हो गई है। एक दिन पार्क में बैठे हुए थे अपनी बीवी के साथ, तो छोटा सा पिल्ला था, अपनी गर्लफ्रेंड जो होती मतलब कुतिया छोटी सी, तो उसको प्यार कर रहे थे, खेल रहे थे, तो भाभी रोमांटिक हो गई लाला जी की बीवी, बोली बात सुनिए अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी। बोले हाँ हाँ शौक से, पर ध्यान से कुत्ता काट ना ले। अच्छा जावेद साहब मैंने एक चीज़ नोट की है, खाना खाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा खाना खाना, क्योंकि अच्छा खाना अगर हम लोग खाते हैं दिमाग अच्छा चलता है। मैंने बचपन में कभी अच्छा नाश्ता किया ही नहीं, मतलब रात के बासी साग के साथ चार पराठे खा गए, स्कूल में जाके दिमाग नहीं चलता था, मास्टर भी अजीब अजीब सवाल पूछते थे, क्योंकि नाश्ता तो बचपन में उन्होंने भी वही किया ना। मास्टर के सवाल कैसे होते थे, खड़े हो जाओ बेटा ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है, बच्चे भी ऐसे जवाब देने से टलेंगे नहीं, देंगे जवाब। जी मास्टर जी क्या पूछा आपने। बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। दलेर मेहंदी। किसी मास्टर ने फिर सवाल पूछ लिया, बेटा ये बताओ वेयर इज अलास्का, अलास्का कहाँ है। अब एक्सप्रेशन से पता चल जाता है इनको आता नहीं है, तो इनको पता होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। क्या पूछा जी। बेटे अलास्का कहाँ है। मैंने ऑब्जर्व की ऐसी ऐसी बातें, तो क्योंकि बच्चों में ज्यादा ये होता है, खास करके हम जैसे बच्चों में, कि पढ़ाई आए ना आए फिल्मों के नाम सारे पता होते हैं। कॉमन चीजें बड़ी होती थी फिल्मों में, मतलब एक काणी आंख वाला गुंडा जरूर होता था, गंदी सी आंख वाला, उसका एक ही काम होता था हीरो की माँ बहन को उठा के लाना। एक और गुंडा होता था, उसका डायलॉग कोई नहीं होता था फिल्म में, उसका काम सिर्फ इतना होता था कि जब हीरो ज्यादा हीरो बनता था ना विलन के सामने, तो वो चुटकी बजाता था, तो वो काणी आंख वाला गुंडा आता था, उसका एक ही काम था हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। और माँ, विधवा माँ जो हमारी अक्सर फिल्मों में पाई जाती हैं, हमेशा क्लाइमैक्स में आती थी, जब सारी बाजी हीरो के हाथ में है, हीरो ने पिस्टल लगाया हुआ है विलन की कनपट्टी पे, एन मौके पे लो लेवल का घटिया लेवल का गुंडा आ जाता है, ठहरो तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, अगर हमारे बॉस ने कुछ कहा तो तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ जाएगी। हीरो ने पिस्टल फेंक दी, भाई अगर उसके हाथ में पिस्टल है तेरे हाथ में भी तो पिस्टल है, चला दे तू, तेरी माँ की खोपड़ी विलन की खोपड़ी नहीं, उड़ा दे तू भी नहीं। और माँ तो होती इसलिए थी अपने बच्चे को फंसा सके, कि तुझे पता है तेरे बेटे का झगड़ा चल रहा है, दो चार दिन इधर उधर हो जा। तो ये मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने सुना दिया, थैंक यू सो मच। मुझे पहले इनसे एक सवाल पूछना है, क्या आप तीनों एक ही स्कूल से आए हैं। एक ही स्कूल से नहीं है, एक ही शहर से है। शहर से बिल्कुल। तो उसमें ज्यादातर ऐसा पीछे जाकर यूं बोलना टिपिकल सिखाया जाता है। मैम एक्चुअली आप कोरियोग्राफर, आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लचक दिखा रहे थे कमर की अम्ती। अच्छा, आपको थोड़ी लचक दिखाएं कॉमेडी। अगर यही लचक आप कॉमेडी में लाते तो। मैम एक्चुअली पता क्या है, क्योंकि हम लोगों को था कि कॉमेडी तो हो ही नहीं रही, छह छह नंबर मिल रहे हैं, तो सोचा चलिए शायद डांस में बात बन जाए। छह छह नहीं यार, दो दो। नहीं नहीं साढ़े छह भी मिले किसी को। नहीं नहीं साढ़े छह टोटल मिला। नहीं नहीं इतना ऊपर मत सोचना है, नहीं हमारे जजेस ऐसे नहीं। आई डिडंट एंजॉय सो मच, बट आई एंजॉयड मोर देन दोस टू। सॉरी। और सरोज जी ने चार दिया। थैंक यू। क्या बात है। एक तो पहले आपके अंदाज से कैप्चर हो जानी चाहिए कि आप जिस तरह से बोलना शुरू करें तो दिस शुड बी लाइक हाँ आप कुछ बोलना है कुछ करें, वो अंदाज होता है, इंटरेस्ट लेवल वो थोड़ा कभी लगता है कम है तो सामने वाला भी कम हो जाता है सुनने में। तो दो तीन जोक्स दे वर नाइस, दे वर ओरिजिनल, बट बेस पे मैं भी आपको साढ़े कंटिन्यू रहे, नॉट बैड, साढ़े रही हो बाकी याद रहे साढ़े तीन। सरोज जी ने देखिए ये होता है ऑब्जर्वेशन और ये होता है तजुर्बा, कि जो आपके पॉस्चर्स थे वो वाकई वो दो लोग जो थे उसी तरह के पॉस्चर्स ले रहे थे, जो स्टाइल था, बच्चे सारे बच्चे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक पैर पीछे करके बातें ही करते हो, मगर आप तीनों ने वही किया। मैं आपको बहुत कम नंबर देता लेकिन आपका आखिरी जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा,
मैं नंबर आपको सिर्फ आपके आखिरी जुमले के लिए दे रहा हूँ, वो ये कि जब मालूम है कि लड़कियों का झगड़ा चल रहा है तो माँ इधर उधर हो जाए, वो बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा, बड़ी रीजनेबल बात थी, इसके लिए मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। चार, क्या बात है, नॉट बैड। तो चलिए जाते हैं हमारे फाइनल राउंड में, देखना है हमें, हमारे जजेस एक थीम देंगे और वो थीम क्या होगा वो जानने के लिए सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आठ के आठ कंटेस्टेंट्स को, हमारे आठों उस्तादों के लिए जोरदार तालियां। अब हमारे तीनों जजेस आप लोगों को एक थीम देंगे और वो थीम के लिए आप लोगों को केवल 5 से 7 मिनट मिलेंगे। फर्क इतना है कि आप चार के चार नहीं कर सकेंगे और आप चारों को डिसाइड करना है कि आपका लीडर कौन है, और फिर दोनों लीडरों को मौका दिया जाएगा यहां पर आके खड़े रहने का। जो भी जजेस को सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे इंडिविजुअली नहीं मगर अपनी टीम के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी हर पार्टिसिपेंट को 10 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे अपनी टीम के लिए। तो आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका लीडर कौन है, कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप भी डिसाइड कर लीजिए आपका लीडर कौन है। ओके, डिसाइड कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए आप चारों ने डिसाइड कर लिया आपका लीडर कौन है। तो आप लोगों ने चुना है रऊफ साहब को लीडर, रऊफ साहब आगे आ जाइए, और आप लोगों ने चुना है शकील साहब को लीडर, शकील साहब आगे आ जाइए। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे जजेस इनको थीम बता दें। जावेद साहब, थीम ये है, आजकल हर जगह अलग अलग तरह के रियलिटी शोज हो रहे हैं, उनमें जज होते हैं अलग अलग तरह के, आप रियलिटी शोज के जजेस पे प्रोग्राम करें। वेलकम बैक टू उस्तादों का उस्ताद, ये होस्ट एंड दोस्त साजिद खान। याद रखिए सिर्फ आप दोनों में से एक ही जीतेगा। आई विश यू ऑल बोथ ऑल द बेस्ट। स्टार्ट। मुझे कहा गया कि जज के बारे में बोलें, शकील से भी कहा गया जज के बारे में बोलें, तो आजकल चैनल पे देखें आप जज कौन कौन बन गए हैं, अपने ईमान से बताएं। बप्पी लहरी जज बन सकते हैं ये माशाल्लाह जहां बैठते हैं वो जगह की हालत देखें, वहीं बैठ जाते कितने जेवर पहनते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे होते ना गलत मंत्र पढ़ने वाले पप्पू तांत्रिक। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वो जज हैं, ठीक है जज हैं जिस शो के, लेकिन कलाकार बहुत बड़े हैं और जैसा उनका गला है ऐसे गले को इतने ही सोने से सजना चाहिए। मैं बात करूंगा अपना जजेस से, कहूंगा कि मैं अपने ही शो से शुरू करता हूँ, सर्कस से। हमारे सतीश भैया बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन उनके जज करने का स्टाइल ही अलग है। शकील मियां, तुम्हारे स्क्रिप्ट में झोल बहुत था, जंपें थी बड़ी बड़ी। मैं क्या, मैं मोटरसाइकिल पे एंट्री कर रहा हूँ क्या? ऐसे ही हमारे पास जॉनी लीवर भाई, वो हंसते हैं तो लगता कोई बैठा हुआ है। अच्छा था, अच्छा था, बीच में लोचा था। फिर मैं कहूँगा फाइन, नंबर दूंगा 9। जो नंबर नहीं मिलता वो नंबर देते ही नहीं है। अगर 6 का किसी से संबंध नहीं है तो 6 नहीं देंगे। परफॉर्मेंस थी टाइट, नंबर दूंगा 8। अच्छा, हमारे शो लाफ्टर में जज थे शेखर सुमन और सिद्धू भाई। क्या बात है सिद्धू भाई, बड़े सादा आदमी है। मैंने कहा यार आप कैसे जज बन गए यार, आप इतने मासूम है क्रिकेटर, इतना लंबा कद है उनका, मैं गले मिलता हूँ मैं बीच में ही खत्म हो जाता हूँ, इतने बड़े बड़े हाथ। मैंने कहा आप जब क्रिकेट खेलते थे सिद्धू भाई तो बल्ला क्यों लेते थे, हाथ से ही खेलते जीत जाते, इतना लंबा कद है। मैंने कहा आप भाई रुक भी जाओ क्या, यहीं से खड़े खड़े पाकिस्तान देख लोगे। और शेखर भाई कमाल के आदमी, शेखर भाई एक तो देखा होगा आपने पतले दुबले हो गए, बहुत अपने आप को स्मार्ट कर लिया उन्होंने, समझ में नहीं आता, लग रहा था दूर से कोई कपड़े आ रहे हैं। ये गैलरी में पड़े हुए खड़े हुए थे, भाभी समझी कि कपड़े सूख रहे हैं, उन्होंने उठाया तय करके रख दिया अलमारी में। बच्चा आया कहने का अम्मी अम्मी हमारे अब्बू कहाँ हैं, कह रहे देखो अलमारी में होंगे मेरी साड़ी के नीचे। तो शेखर भाई भी, सिद्धू भाई की और शेखर भाई की बड़ी बनती है, एक दूसरे की मोबाइलों में रिंगटोन भी इन्होंने ऐसी भरवाई हुई है। अब शेखर भाई कम हंसते हैं, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं
और सिद्धू भाई तो आपको पता है कितने हंसते हैं, उन्होंने अपनी रिंग टून भरवाई भी, जब उनके कॉल आती है वो पता क्या करते, जब कॉल आती फौरन शुरू हो जाती शेखर भाई की कोई रिंग टून नहीं है, जब फोन आता है सिर्फ वाइब्रेशन होती है। बात सिद्धू भाई की मैं भी करूंगा, सिद्धू भाई कोई सोच भी रहा होता है ना, सोच लिया सोचने पास पड़ते हैं कब ये बोलेगा। एक जिन मिल गया मुझे बोतल में से, मैंने जिन को बोला मेरे लिए कोई दो काम कर दो, बोला पहला बताओ, मैंने कहा कोई ऐसा पुल बनाओ जो हिंदुस्तान से अमेरिका तक जाता हो, बोला ये काम बहुत मुश्किल है, रास्ते हैं बहुत सारे, स्पीड ब्रेकर हैं, बहुत सारे समंदर हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। दूसरा बताओ, मैंने कहा सिद्धू भाई की हंसी रोक दो, कह रहा पुल कितना चौड़ा बनाना है ये बताओ। सिद्धू भाई की बात की, मैं अब बात करूंगा हिमेश रेशमिया, कैसे सिंगर हैं, अल्लाह ने हमें दिया जो नाक से गाते हैं, इनकी नाक छीन लो गला बंद, टोपी छीन लो दिमाग बंद, ये वो आर्टिस्ट हैं। इनको मैंने देखा एक दफा जज करते हुए, मुझे तेरे घर से रोटी चाहिए, वो डर गया, कह रहा सर मैं तो खुद कहीं और से मांग के खाता हूँ, आपको कहाँ से ला दूँ। तो ऐसे जज हैं हमारे। अरे मैं बात करूंगा अपनी अर्चना पूरन सिंह, क्या बात है, उनके तो रिंग टोन जो है ना उनके भी मोबाइल में आ रहे हैं। एक दफा एक साहब ने भरवा लिया, मैयत में चला गया, वहीं बज गया वो मैयत में ही, हा 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 मैयत उठ के बैठ गई, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई, मैं मर गया हूँ, तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रही है। मैं जरा आप जजों की तरफ आऊंगा, इजाजत है। जावेद भाई से पहली दफा आप इस प्रोग्राम में मुलाकात हुई, लेकिन आपने जो नंबर दिए चले ठीक है। अच्छा मैं परफॉर्म कर रहा होता था, जावेद भाई लिख रहे होते थे, देख रहे होते थे, यूं लिख रहे होते थे, तो पता है हम समझते हैं कि हमें मार्क्स दे रहे हैं, मार्क्स नहीं, फिल्म के लिए दो गाने लिख लेते हैं वही बैठे बैठे। और आपको तो जावेद भाई आपकी वजह से तो हमारा भतीजा है ना बड़ा तंग करता है मुझे, उसको तो जब बाथरूम जाना होता है मेरे को आगे चाचा बू मैं कहा बेटा तुझे लफ्ज सही नहीं आता, तू इधर ही निकल जा। तो अब सरोज जी आपका आजकल प्रोग्राम आ रहे हैं, उनमें डांस सिखा रही हैं बच्चों, मैं वाइफ से कह के थक गया परसों, मैं कहा बेगम मुझे भूख लग रही है खाना दो, सुनी नहीं रही, मैंने कहा बेगम मुझे भूख लग रही है खाना दो, करिए 1 2 3 4 मैं कभी 4 मिनट में दे देगी खाना, मैं बैठे रहा थोड़ी देर बाद, मैंने कहा बेगम खाना दो, करिए 1 2 3 4 यार मैंने कहा क्यों नहीं दे रही है खाना, मैंने जाके झांक के देखा ना, मैंने कहा बेगम खाना, तो कह रही 1 2 3 4 मैं भी बात करूंगा हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं डेविड धवन साहब, बताइए नज बलिए में उनको डायरेक्टर बनाया, वो बना दिया जज, अब उनका डांस से क्या ताल्लुक है, वो नाचने आए उनसे पहले उनका पेट नाच रहा था। डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, फिल्में अच्छी बनाते हैं, अब डेविड धवन साहब वो बेचारे मिठाई रख के बैठ जाते थे, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी इसी बात पे मिठाई खाऊंगा, तो सिर्फ मिठाई खाने के लिए उसमें बुक हुए थे, शो के एंड में डॉक्टर ने कह दिया आप दूसरे रियलिटी शो में नहीं जाना, अब तुम्हें शुगर हो गई है। और आखिर में बात करूंगा आप लोगों की करूंगा, सर मैंने जावेद अख्तर साहब को देखा, पार्टिसिपेंट्स जब गा के ख़त्म करता था तो इनको देखता था मैं और उसको देखता था बेचारे को, ये इतनी तबीयत से उर्दू बोलते थे, वो समझता था तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जावेद जाफरी साहब माशाल्लाह से 12 साल से बुगी उगी कर रहे हैं, मैं भी इनके शो में गया था, आप लोगों का भी तरीका सही नहीं सर, ये जो बू करते ना ये गलत है, आप क्या करें बू। और सरोज जी के क्या बात करूं, आपने तो कई आर्टिस्ट बना दिए, माधुरी से लेके श्रीदेवी से लेके, मुझे भी नाचना सिखा दीजिए, और आप बहुत अच्छी औरत हैं, कम से कम मर्दों को नचाती हैं हमारा बदला ही लेती हैं, उन औरतों को नचाती हैं हमारा बदला ही लेती हैं, वरना औरतों ने हमेशा मर्दों को नचाया अपनी उंगलियों पे। ओके तो अभी वक्त समाप्त होता है, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है।
कभी कभी होता है कि तीन जजेस बगैर किसी डिस्कशन के एक नतीजे पे पहुंचे, एक ने आधी बात शुरू की हो, दूसरा कंप्लीट कर दे और तीसरा कहे कि एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था। ये कम होता है, और क्योंकि हम ही एक जज हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट हैं और हमारे फैसले की कोई अपील नहीं, ये आखिरी फैसला है। 10 नंबर बराबर बांटे जा रहे हैं, 5-5 थैंक यू, क्या बात है, फैंटास्टिक, 5-5 मार्क्स, जोरदार तालियां। Nobody could have given a better judgment than our three esteemed judges. Javed Jafri, Saroj Khan, Javed Akhtar ke liye zordar taaliyan. Fantastic judgment. Isi ke saath scores hote hain Rauf Lala 15, Urvashi aur Shakil 28.5, Chandan Prabhakar 13, Rajiv Thakur 11.5, Ali Asgar and Kashif 13, Kapil Sharma 16.5. Give all these lovely ustads a big hand. देखना है हमें कौन बनेगा फाइनली उस्तादों का उस्ताद। आज तो फिलहाल नहीं बनेगा, वो बनेगा 20th अप्रैल को, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। इंडियाज लार्जेस्ट इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ग्रीन प्लाई की तरफ से आपका घर सजाने के लिए उस्तादों का उस्ताद, किड्स कॉमेडी डांस और सिंगिंग के तमाम विजेताओं को मिलेगा 1,00,000 का गिफ्ट वाउचर। वाओ। और याद रखिए दोस्तों, आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कल रात को यहां पर जम के मुकाबला होगा तमाम उस्तादों का, जो है इंडियन आइडल के उस्ताद, सारेगामा पा के उस्ताद, वॉइस ऑफ इंडिया के उस्ताद, उनके बीच में जम के इस मंच पर हम पंच करेंगे एक दूसरे को। देखते रहिए उस्तादों का उस्ताद, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साजिद खान साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जोश में आप थोड़ा थोड़ा बद एहतियाती, जैसे कहना चाहिए एहतियात आपकी कम हो जाती है, जो लय में या सुर में रहनी चाहिए। आप दोषी हैं, आप दोषी हैं अच्छी गायकी के। जिस खूबसूरती से ये गाना गाया गया है, आपने बिल्कुल उसको बरकरार रखा ना। दम दर दम दर मस्त मस्त, दर दम दर मस्त मस्त। आपके गाने के अंदाज में कोई ऐसी बात है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये महफिल का गाना है। क्वालिटी जो अरेबियन सॉन्ग्स की है, दैट वाज सुमित्रा बेटर। मेरी शब है, सोफा है, तू ही दिन है मेरा। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर यहाँ रफी साहब को भेष बदल के रख दिया जाए या पंडित जसराज भी आ जाए तो उनमें भी हम कमी ढूंढ लेंगे। जी।